हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन द वन एंड ओनली द स्टॉल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन से व्लॉग्स ना आने की जो कष्ट और दुख होता है ना, मतलब मैं झेल रहा हूँ और आप लोग में से बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं। तो दिल से सॉरी यार, अब से व्लॉग्स मैं कोशिश करूँगा कि, और कोशिश नहीं, एकदम डिटर्मिनेशन है और एकदम डिटरमाइन फैक्ट है कि व्लॉग्स अब आएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। तो बात करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा आग लगाने वाला होगा, एकदम लिट मामला होगा, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है, अभी आप मुझे देख रहे हो, ये तो आज का है, बाकी जो ब्लॉग अभी आप देखोगे आगे, वो पहले का शूट हो रखा है। तो एक्चुअली उसे ना अपलोड कर पाने का रीज़न था कि मुझे बहुत सारे काम पड़ गए थे और बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रहा था, बहुत सारी नई नई इनोवेटिव चीज़ें करने का सोच रहा था। बाकी अब सब कुछ सोच लिया क्या क्या करना है, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले ब्लॉग इंजॉय करो। और अगर आप लखनऊ से दिल्ली की जर्नी करते हो बाया एक्सप्रेसवे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्त होने वाला है। सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से, मतलब मेरा एक सपना सा था, क्योंकि मैं बहुत सुनता था लोगों से एक्सप्रेसवे के बारे में, और आज तक मैं एक्सप्रेसवे पर नहीं चला था, हाईवे पर चला था। तो और स्पीड का भी एक माइलस्टोन था भाई, 110 से ऊपर गए नहीं थे आज तक। तो वो सब कुछ तोड़ के दिखाया एकदम, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को देखो पूरा और उसके बाद मिलते हैं लास्ट में। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत सफ़र, खूबसूरत सड़क, खूबसूरत रास्तों के नज़ारों से भरे हुए खूबसूरत ट्रैवल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है लखनऊ टू ग्रेटर नोएडा इन अ सिंगल शॉट। एक्चुअली ओरिजिन तो अयोध्या है जर्नी का, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक का सफ़र रात तक में तय किया गया है, तो वहाँ दिखाने लायक कुछ ऐसा था नहीं खास जो दिखाया जाए। चलिए आज की जर्नी की बात करते हैं। जर्नी का उद्देश्य है कजिन अब्रॉड जा रही है पढ़ने, तो उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करना है, और हमारी को पैसेंजर रहने वाले हैं आज हमारे प्रिय छोटे भाई हनी, और कज़िन हरसेल्फ, क्योंकि उसे जाना है, और द स्टॉलर जिसे आप देख रहे हैं, और गड्डी चला रहे हैं हमारे प्रिय चाचा जी। जब भी आपको एक्सप्रेस वे पर खाने पीने का, रेस्टोरेंट वगैरह का सुविधा मिलेगा, तब आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ेगा जो कि अभी आपको रास्ते में दिखाई पड़ेगा, और आप समझ जाइएगा कि आपको यहाँ से लेफ्ट हो जाना है, तभी आपको रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप्स वगैरह मिल जाएंगे। ये बोर्ड आप देख सकते हो, जब भी आपको ये दिखेगा उससे 1 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट ले लेना है। जैसा कि हम लेने वाले हैं, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग चुकी है, लिटरली दोपहर के 11 बज चुके हैं और भूख एकदम चरम पे है। तो हम भी चल रहे हैं कुछ खाने पीने, और देखते हैं क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है, वो भी आपको बताएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फूड किंग प्लाजा, और यहाँ पर हम खा पी के आपको बताने वाले हैं भाई कैसा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, उसके बाद मैं खाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा टेस्ट कैसा है और क्वालिटी कैसी है। तो गाइस, अब तक हमने 150 से प्लस किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है, और भाई के साथ अभी हम लोग चाचा के साथ सब लोग रुके हैं यहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए। भाई बहुत मक्खन रोड बना है, लेकिन अब उतना वो बात नहीं रहेगा जैसे लोग बोलते थे, पानी वानी नहीं हिलता, हिलता तो दिखता है, ठीक है, और यह पसीना भी यहाँ पे। तो हम लोग फूड किंग प्लाजा हैं, इन लोग का 100-100 किलोमीटर की रेंज पे ऐसे कुछ आस पास पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, लंच कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, सारा कुछ कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड में। और एक्सप्रेस भी माशाल्लाह बहुत खतरनाक है भाई, ये क्या बोल रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये
अभी हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, खैर इनके पास ऑप्शन नहीं था तो इन्होंने नॉर्मल डोसा दे दिया हमें, और अभी हम ले जाएंगे इसको खा के टेस्ट करेंगे भाई कैसा टेस्ट आता है, और जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में। और एक चाय भी हमने यहाँ पर ऑर्डर की है, चाय एंड चाट कंपनी का आउटलेट है यहाँ पे, वहाँ से। तो चाय पड़ी है 40 की, ये पड़ा है हमें 180 के समथिंग डोसा। तो इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। हाँ तो सारा कुछ खा के फिनिश कर दिया भाई, टेस्ट ठीक ठाक था, डोसा उतना सही नहीं था जितना प्राइस के हिसाब से, बाकी चाय बढ़िया थी, चाय को बढ़िया बोलूँगा मैं। फिर चलो यहाँ से चलते हैं, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, और पहुंचने वाले हैं इस जो आपको टोल दिख रहा है सामने, इसे क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर। यहाँ पर वाई दबे 40 रुपये ही टोल कटने वाला है, तो अभी तक का सबसे सस्ता टोल यही है हम देने वाले हैं। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर सब लोग कहते हैं कि जो फूड के आउटलेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, वहाँ पर खाना वगैरह का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और ऑप्शन भी बहुत होते हैं, तो वहाँ भी चल करके अभी चेक करने वाले हैं हम। बाय द वे अभी तो आइसक्रीम खाने का मैंने, तो आइसक्रीम ही खाएंगे और देखेंगे चल करके कि कैसा लगता है भाई वहाँ का आउटलेट और कैसा है। तो सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। ये यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है आगरा को ग्रेटर नोएडा से, और इसकी दूरी उसकी अपेक्षाकृत कम है, और इसकी क्वालिटी भी मैं कहूँगा मेरे हिसाब से उसकी अपेक्षाकृत कम है। तो दोस्तों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम पहुँच गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, जैसा आपने पीछे देखा, और यमुना एक्सप्रेस वे पर हम लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। अब डेस्टिनेशन सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गया है, यानी 150 किलोमीटर। और यहाँ बरिस्ता का आउटलेट दिखा था, तो हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए यहाँ उतरे हैं, और बाय द वे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आइसक्रीम खाने का विचार बन रहा है, आइसक्रीम खाएंगे फिर यहाँ से चलेंगे आगे की ओर, और आपको भी लेकर चलेंगे जर्नी कंटिन्यू करें। आइसक्रीम खाते ही कुछ दूर चलते ही हमने एक और हॉल्ट लिया है सड़क के किनारे, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी हमने तय करी होगी, उसके बाद हमने एक हॉल्ट लिया है क्योंकि हम थक चुके हैं सभी लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठे बैठे, तो 10-5 मिनट का हॉल्ट तो बनता है क्योंकि हम पहुँचने भी वाले हैं ग्रेटर नोएडा, 150-200 किलोमीटर का दूरी रह गया। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मथुरा, यहाँ पर हम रुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी हो चुका है, सुबह 7 बजे से निकले थे, लगातार चलते चलते 7 घंटे हो चुका है, अभी मान के चलो आप 1 घंटे का और जर्नी रह गया है। भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता पानी किया फिर से वापस से, बहुत प्यास लग रही थी गर्मी की वजह से, और इनसे मिलिए, इन्हें काफी ज्यादा मजा आया है। इन्होंने आज एक पाप किया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अभी जाते जाते उठाएगा ये मैं अभी अभी बता रहा हूँ, ये बहुत मस्ती कर रहे हैं पाप ऐसा किया गया है इस साफ सुथरे, इतने साफ चमकते हुए देख लो उसको, ऐसे एक्सप्रेस वे पे इन्होंने चाय फेंकी है, वो भी प्याली की सेहत मतलब प्याली के साथ में इन्होंने चाय फेंकी है, अब इनका शकल देखो, और ये जाते जाते फेंकेंगे भाई हमारे जाते जाते, मैं कुछ नहीं फेंका हूँ भाई, मैं जो भी फेंका हूँ मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ आपको, मतलब इधर। तो तेज़ बारिश से लड़ झगड़ कर कैसे भी करके हम अपने फ्लैट में पहुंच गए और जहां में जाना था,
तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ी बहुत मस्ती की घर पे, मेरे ब्लॉग्स चले 75 इंच पे, भाई देख के ना एकदम तसल्ली सी मिलती है। फिर बाकी कहानी आप देख लो खुद ही, और फिर वीडियो एंड करेंगे। भाई प्लीज़ मेरे ब्लॉग का इंट्रो दे दें आप। तो गाइस फाइनली हम नोएडा पहुंच चुके हैं, और भाई यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं। वो रहा था, अभी तो बहुत धीरे हो गया है। आप देखो क्या व्यू है भाई यहाँ से, व्हाट अमेजिंग व्यू एक्चुअली। भाई मेरे पैर भीज के पानी भरा रखा है यहाँ पे। अब हम लोग को नीचे जाना है गाइस। थैंक यू फैन, यहाँ भी देखो देखो मुझे यहाँ भी मेरे फैन मिल गए, जीरो कर दिया। ये फैन है ये। तो पर्टिकुलर इस जर्नी के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड लिफ्ट में, और फिर शुरुआत करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा ना। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस इन दिस ब्लॉग ऑफ वीडियो। लव यू ऑल, बाय।